कम से भाई मैच टर्न हुआ है वो भी खुश हो गया। हे एवरीवन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने शेयर मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे कर दो। सो भाई आज है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच और आज पाकिस्तान के लिए नॉकआउट मरहला है, लेकिन साउथ अफ्रीका बहुत रिलैक्स है और देखते हैं क्या होता है। लेकिन उससे पहले जाएंगे नमाज पढ़ने, क्योंकि आज जुम्मे का दिन भी है, तो पहले चलते हैं नमाज पढ़ने। सा भाई ये क्या अभी आप पाकिस्तान की शर्ट पहन गए हो आज भी? यार आज भी हरवाओगे पाकिस्तान को? पाकिस्तान मुझे पूरी उम्मीद है, पाकिस्तान इंशाल्लाह आज जरूर विन करेगा। और नमाज पढ़ने कब जा रहे हो? जा रहा हूँ अभी, वहीं तो जा रहा हूँ। जल्दी जाओ नमाज पढ़ के आ जाओ, मैच भी स्टार्ट होने वाला है, अभी टॉस हो रहा है। हाँ भाई आज चपातियाँ कैसी बन रही है जबरदस्त। ये बता क्या आज क्या क्या प्रेडिक्शन है तेरे? क्या आज तो पाकिस्तान वन साइड मारेगा। आ गया उमर, चलो भाई उमर आप ही का वेट था। A few moments later. हाँ भाई उसामा भाई टॉस कौन जीता? टॉस भाई पाकिस्तान जीता और पाकिस्तान पहले बैटिंग करा। चलो भाई शुक्र है, उम्मीद तो हो गई, हम यही चाहते थे। और वो क्या ओपनर भी आ गए? पहली बॉल थी, थर्ड बॉल थी, थर्ड बॉल थी, तीन बॉले मिस हुई है। अबे तीन बोले शुरू से बात नहीं, स्टार्ट हुआ अभी, इंशाल्लाह आज पाकिस्तान जीतेगा। सब यार हमारा तुम बोलो आज कौन जीतेगा यार? यार नहीं ऐसा नहीं बोलो यार, यार ऐसा नहीं करे, इतना मजबूत टीम साउथ अफ्रीका, 400 कम नहीं बना रहे तुम। ये कौन जीतेगा ये बताओ, तुम बातें नहीं घुमाओ, मुश्किल होगा जब पाकिस्तान जीते। सामा भाई इसकी आवाज क्यों नहीं निकल रही? अभी आया ना काम पे, जब उठता है ना इसका गला बैठा हुआ होता है। तो व्यूअर्स घर आ गया और यहाँ पे मैच लगा लिया है और यार आज नॉकआउट मरहला ही है हमारा, चारों ही जीतने अब, लेकिन उम्मीद है आज जीतेंगे। आज का मैं आपको बता दूं, एटलीस्ट आज का तो हम जीत जाएंगे। मार दिया भाई चौका ना भी, लास्ट बॉल पे चौका मार दिया। कौन जीतेगा? साउथ अफ्रीका ही जीतेगा शिप, ये सबको पता है। हाँ यार ये तो है, लेकिन आप इतना भी नहीं बोल। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या पता बाजी मार दे पाकिस्तान। अनाबिया भी यार आज थकी हुई सी लग रही है, ना बोल पा रही है कुछ। ये देखो भाई अनाबिया का हाथ जो है ना कल चल गया था, चूल्हे के आगे खड़ी हुई थी मैडम, बड़ी बनी हुई थी अम्मा, के मैं मम्मा जितनी मम्मा के बराबर पहुंची थी, मम्मा कहीं गई हुई थी। और ये जो है भाई कुछ क्या कर रही थी आप? पापड़ तल रही थी, मैंने चमची उठाई, चमची ना कल, इसलिए मैंने कल इसलिए मैंने व्लॉग भी नहीं डाला क्योंकि ये इसको हॉस्पिटल वगैरह भी ले गए थे, तो इसी में निकल गया था दिन। ऐसे भी बंद कर दो, आपको अभी भी उम्मीद है कि ये जीत जाएगा। देखो तीन ओवर हो गए, 18 रन बनाए, क्या करें। लेकिन नहीं ना मुझे उम्मीद है, मुझे उम्मीद है, मुझे मैं बोल रहा हूँ ना कि भाई जीतेगा आज। अभी देखो आपका भाई फुल माहौल में भी आता है। हाँ भाई आ गए माहौल में, बट एक प्रॉब्लम हो गया, ये चुटकी से आपको ट्रांजिशन तो देगा बट ये दो आउट हो गए, और दो आउट हो गए। जब मैंने आधी शर्ट चढ़ाई तो सुना था एक आउट हो गया, तो थोड़ी देर बाद जो है एक दो ओवर बाद दूसरा भी गया, यानी कि दोनों ओपनर चले गए। तो अब मुझे डर लग रहा है कि पूरी की पूरी टीम ना चली जाए, क्योंकि मैंने भाई ये शर्ट वगैरह पहनी है ना, जब भी शर्ट नहीं पहनता यार तो आउट हो गए बहुत ही जल्दी। देखो कितना बुरा खेल लिया हमारी टीम, लेकिन फिर भी हम सपोर्ट करें, क्या करें, दिल तो पाकिस्तानी है ना यार। हालांकि हमें पता है कि अब कुछ नहीं होना, ओपनर तो भैया हमारे किसी काम के है ही नहीं, पता नहीं क्यों। इससे अच्छा तो फखर जमान ही खिला ले, कुछ हिट तो कर देता, वो आउट तो उसको भी होना ही है, लेकिन वो थोड़ा हिट कर देता। यहाँ पर तो ना हिटिंग होती है इनसे, छोड़ो यार। फिर वही क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया मैंने, और फिर आपको पता है अभी हमारी टीम को हमें बैक करना है, बहुत अच्छा खेल लिया हमारी टीम, ओपनर तो हमारे वर्ल्ड क्लास है। उमर आ गया और उमर को पता ही नहीं खाना लग गया, खाने लग गया, मुझे किसी ने बताया नहीं मैं कब से नीचे। क्या कोई कहीं चला तो ले जा, बैठ जाओ नीचे, जल्दी दो मुझे भूख लग रही है। अच्छा सबको छोड़ के बताओ क्या प्रेडिक्शन है आपकी आज की पाकिस्तान के हवाले, मैच के हवाले? पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान गंदा आ रहे हैं, तभी तो बोल दो कि अच्छा जीतेगा यार। सामने टीम तो देखो साउथ अफ्रीका की टीम है। अच्छा जाओ खाना खाओ, आप छोड़ो आपसे आपसे नहीं होगा, आप खाना ही खाओ। तीसरी विकेट भी गई भाई, अभी मेरे मुंह पे था कि अभी तक इनकी पार्टनरशिप हो गई 50 रन की, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपनी टीम को बैक करेंगे ना भैया, बैक करेंगे, बैक करेंगे यार, बहुत हमने बैक करेंगे, निकलने के लिए बैक करेंगे, अब बैक नहीं करेंगे। ये बोल दिए पैकअप करेंगे। नहीं अभी जीतेंगे हम लोग, ये तीन आउट चार आउट ये लाइन तो हमने शुरू से ही देखी है, वार्म अप मैच से हम लोग ये लाइन देख रहे हैं, आज भी हम ये लाइन देख ही रहे हैं। जितने हमने रन बनाए ना उनका डबल वो लोग बना के चले भी जाएंगे, आपको नहीं पता, जीतेंगे हम लोग। यार एक ही अच्छा खेल रहा था रिजवान, वो भी आउट हो गया। अब एक ही बैट्समैन खड़ा है बाबर आजम, बोप्सी जिसको असद अली साहब कहते हैं, बोप्सी हम तो किंग कहते हैं उसे, हम बाबर नहीं कहते, हम किंग कहते हैं, किंग कर लेगा। टेंशन नहीं लो, और वो आउट हो जाएगा बाबर, मुझे पता है, बात तो सही है। काश ये लोग मोहम्मद आमिर को लेके चले जाते, बाबर आजम अपनी दोस्ती यारी नीनी बात कर रहा भैया, जो भी हुआ छोड़ो उसको, मोहम्मद आमिर को नहीं लेगा, छोड़ो हारेंगे लेकिन आज का मैच जीतना है। कैसे जीतेंगे? अभी मेरी मोमिन साकिब वाली हालत हो रही है यार, चुप हो जाओ। वैसे यार सीरियस बात है यार, ये दोस्ती यारी जीत गई, टैलेंट हार गया, ये हकीकत है। बाबर का मैं बहुत बड़ा फैन था और अभी भी हूँ, बट ये जो है ना प्लेयर अच्छा है, लेकिन इसने जो काम करा है ना यार, जो अपने पसंद के प्लेयर ये लेके गए। शेडवर
शर्ट उतारो अब, क्या अब तो हार गया। शर्ट उतार दो अभी। बाबर ने रिजवान को बोला है बेटा तू जा, मैं आ रहा हूँ अभी, बाबर भी चला जाएगा। यार लेकिन ये इफ्टी मैनिया इतनी जल्दी क्यों आ गए? इफ्तिखार अहमद का भी क्या काम है यार? इफ्तिखार आउट हो गया, खड़ी हो गई बोलो, और बोलो मारो बोलना, अभी स्लो खेलना है, लेके जाओ विकेट्स बचानी है। एक ही तो प्लेयर था हमारे पास जो छक्का मारता था। चार आउट हो गए बहुत जल्दी, स्कोर कुछ भी नहीं है, लेकिन भाई हम जीतेंगे, हम अपनी टीम को बैक करेंगे। अनाबिया करेंगे। अच्छा भी आपकी कहने पे बार बार बोलूं, लेकिन मुझे लग कहीं से नहीं रहा। सेम अनाबिया, लेकिन क्या करें, बातें भी बड़ी बड़ी कर दी है ना यार, हमने जीतना है आज। दोस्त की तरह वही हर बार की तरह जो होता है। बाबर आजम को जब तक कैप्टनसी से नहीं हटाएंगे ना, फिर बाबर आजम का शुरू हो गया। बोलना बाबर आजम की कैप्टनसी है ना, इसको हटाओ, रिजवान को बना दे, किसी और को बना दो, या सरफराज को टीम में वापस ले आओ। अगर पाकिस्तान को ना आगे कोई इवेंट आएंगे ना ओडीआई के, उसमें अपनी इज्जत रखनी। अभी तो हम घर जाए ना, बैग वैग पैक कर, अभी कोई चांस नहीं है बैकअप है, क्योंकि इनके पास हिटर इतना खतरनाक है कि वो 20-25 ओवर में पूरा कर देंगे। मेरे को तो 300 भी नहीं लग रहा, बहुत मुश्किल से 300। मुझे नहीं पता कितना आउट है, 5 आउट है ना बाबर आजम खुद कर। मैंने ना अयाज भी था, अयाज बाबर आजम की हिमायत करता है, उसामा भी नीचे खड़े हुए थे, ठीक है। मैंने उसामा ने एक ही बात की, मतलब ये अपनी 50 करेगा और जाएगा, डॉट बॉल पर डॉट बॉल, जहाँ इसकी 50 हुई वहाँ पे आउट होकर चले गए। अब हार रहे वो अलग चीज है, विकेट्स गिरते हैं, लेकिन बाबर देख मेरी बात, मुश्किल से खेल रहा था, बहुत डिफिकल्ट हो रहा था खेलना, कोई रुक नहीं रहा था, बॉल डॉट्स कर रहा था, प्रेशर था। कोई ना नंबर वन प्लेयर मत बोलो आप, इसका मतलब आप बकवास प्लेयर हो दुनिया का सबसे, आप किसी काबिल ही नहीं हो। इफ्तिखार को जल्दी क्यों भेजा यार? बल्कि हम फिर वही बात करेंगे। खैर भाई मैं तो पाकिस्तान बाबर आजम की कैप्टनशिप है, बस डरा हुआ है, डर के खेल रहा है। साउथ अफ्रीका मैं पनौती साबित हो रहा हूँ इस कलम, आज मैं बैक कर रहा हूँ शुरू से, और पिछले पहले ही मैंने कहा बड़ी बड़ी बातें कर दी थी मैंने काफी, लेकिन अभी भी मैच चल रहा है भाई, क्रिकेट है कुछ नहीं कह सकते, अभी भी उम्मीद तो है। बहुत ही बढ़िया खेल के चला गया भाई शादाब, साउथ शकील के साथ पार्टनरशिप अच्छी लगी, लेकिन थोड़ा सा वो लेकर जाना था, 100 रन की पार्टनरशिप तो हो जाती ना। खैर हिटिंग कर रहा था वो, एंड का ओवर है वैसे, अब ये 300 तक किसी तरह कर ले तो कुछ फाइट हो जाएगी, वरना साउथ अफ्रीका तो आपको पता है। और यहाँ पे देखो अनाबिया ये जला हुआ हाथ लेके कैसे देख रही है वो मैच। अनाबिया क्या करें, ये भी तो जिंदगी का हिस्सा है ना। बात तो सही है। और अनाबिया कहाँ की तैयारी है, लास्ट विकेट तो देख के चली जाओ। अब क्या देखूं मैं मम्मी, कहाँ जा रही हो? मार्केट जा रही हूँ भाई। ये 50-100 रन की पार्टनरशिप मारेंगे, ओवर बहुत पड़े हैं, हारिस रऊफ और वसीम जूनियर को तू जानता नहीं है। ये देख छक्का, अबे बल्कि खुद नहीं मारा इसने, जानबूझ के छक्का। यार क्या समझ रहा है, पाकिस्तान टीम ऐसा हराएगी तू जानता नहीं है। 60 रन पे जो है मुझे खांसी क्यों आ रही है इस बात पे तुझे? देखियो कैसा छक्का मारेगा अभी शैम्पू, हसन अली की रिप्लेसमेंट ऐसे थोड़ी करी हमने शैम्पू के साथ, ताबा शैम्पू छक्का मार शैम्पू। भाई अनाबिया ने प्रेडिक्ट किए थे कि 50 ओवर पूरे नहीं खेलेगा पाकिस्तान, पूरे खेले ही नहीं, ऑल आउट हो गया, लेकिन हम जीतेंगे। साउथ अफ्रीकन ओपनर भी आ गए, लेकिन हमारी टीम बाउंस बैक करेगी भाई, कमबैक होगा यहीं से इंशाल्लाह। 271 रन भी बहुत होते हैं भाई, बनाते होंगे अपने लिए वो 400। पहला ही ओवर चाचा को दिया है स्पिनर को, ये टेक्निक सही लगाई। यहाँ पर बाबर की कप्तानी अच्छी लगी मुझे, शाबा चाचा। बैटिंग में तो तुमने हगाया, लेकिन बॉलिंग में तुम कुछ कर दिखाना। बात तो सही है, यहाँ से ये नजर आ रहा है कि भाई हमारे प्लेयर जो प्रेशर में बिल्कुल भी नहीं है। शाबा चाचा। तू चाचा लेंगे पहले ओवर में विकेट? अबे ये क्या, इतनी तारीफें करी तुम्हारी, पहली बॉल पे तुमने वाइड का चौका खा लिया। अच्छा वो बाबर ने उसको इशारा कर दिया था वाइड का चौका खाना, एक्स्ट्रा रन देने, क्योंकि रन थोड़े ज्यादा बना लिए ना हम लोगों ने। जली ना तेरी भी जली ना। शाहीन शाह ने अपने पहले ओवर में 19 रन दे दिए, और बिल्कुल पाकिस्तान की उम्मीदें जाती हुई नजर आ रही है, और मुझे भी ऐसा लग रहा है एक वक्त पे मैं ये शर्ट उतार दूंगा, लेकिन नहीं, अभी सब चले गए, कोई भी नहीं देख रहा मैच, लेकिन आपका भाई बेटा अभी भी सपोर्ट करने। चलो भाई गई विकेट, आपका भाई अकेला खड़ा है भाई, डेकोक गया डेकोक। भाई यहीं से थोड़ी बहुत आपके भाई को उम्मीद भी जाग रही है यार, जल्दी ये अंग्रेज का नाम भी बड़ा लंबा चौड़ा है, डिसन करके कुछ है, जल्दी आउट हो जाएगी। शाबा बेटा नवाज इस बॉल पे जा रहा है, शाबा जा रहा है। ओए अंग्रेज समझदार है। शैम्पू ने ले ली भाई विकेट, शैम्पू कुछ काम आ गया है, शैम्पू ने विकेट ली। विकेट से क्या होगा, अभी पूरी टीम पड़ी, दो विकेट गिर गई हैं, दो अभी नौ खिलाड़ी बचे हैं। तो आपको क्या होगा, खाना है बस, बुराई करनी है, या हम लोग इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं जितवाने के लिए, और आप बस हमारा दिल तोड़ रहे हो यार। शर्ट उतार दो आप, बेइज्जती होने वाली। चलो भाई जितना सपोर्ट करना था कर लिया, अब जो है आपे से बाहर हो गए हम लोग, 81 रन रह गए सिर्फ, और 4 ही आउट है, और अब जो है हमने उम्मीदें छोड़ दी हैं, और अब जा रहा हूँ नीचे, देखते हैं, अब मैच तो बंद ही कर रहा हूँ टीवी, इसको यहाँ से पकड़ के ये निकाल दिया। तुम जीतो या हार, आ गए भाई, कहाँ हो? अब तो बंद कर दो। अरे बंद क्या, आखिरी उम्मीदें बाकी हैं, क्या करें, मेरा जो है ना 73 वेट था। अच्छा अब मैंने कल वजन करा,
69 हो गया, आज 69 हो गया। हाँ भाई बहुत ज्यादा सपोर्ट करी, मैं तो एंड तक बैठा रहा, सबकी सुनता रहा, सबकी सुनता रहा। बहुत मुश्किल है भाई, गुस्से में भाई। उसामा भाई हाँ, अभी तक पाकिस्तान टीम की शर्ट पहन के खड़े हुए। उसामा भाई मैच लगाया भाई क्या यार, रख दिया देखने की जरूरत नहीं, अब बचा क्या है मैच में। वैसे हमारे लिए मामूल हो गया है रोज का ना, कॉमन हो गया हमारे लिए मैच हार के, जिस तरह भाई सामने हाँ, मैच हार के रोना। सामने देखो ढोल वालों को बजाया हुआ था, हाँ ढोल वाले आए हैं, ये मैच जीतने वाला है पाकिस्तान, और इसी खुशी में हम जो है ना डांस करें। आज फोन किया था इन लोगों को कि पाकिस्तान जीतेगा, और ऐसा लगा मोमेंटम बन गया था चार ओवर होने के बाद, तुम लोगों से यार विकेट नहीं है। छोड़ो छोड़ो बॉलिंग को कुछ नहीं बोलो आप, रन कहाँ थे, छोड़ो छोड़ो बात ही नहीं करो, छोड़ो काम करो, काम करो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नहीं 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 रहने दो, सबको निकालो टीम से, सबको निकालो, छोड़ो बाबर 11 खत्म करो। अरे जमान खान तू तो यहाँ खड़ा है, तुझे नहीं खिलाया इन्होंने आज यार, नहीं खिलाया। तू रोएगा बेटा मुझे पता है, तू अभी भी लगा के बैठा है। यार मैंने भी बहुत देर तक देखा, मैच बाहर हो गया तो मैं आया हूँ, मैंने कहा खत्म छोड़ो। और एक बंदा और छुपे यहाँ पे, ताहिर भाई तुम भी कुछ नहीं बोल रहे, आयास भी छुपे, तुम भी छुपो, खून जल रहा है, खून खोल रहा है, इनका बेड़ा गर्क हो। इन्होंने ना टेंशन इतनी करी यार, ये कोई तरीका है हाथों से खेलने का यार, ढंग होता है ये सारी पर्चियां लेके तुम लोग वर्ल्ड कप खेलने। कंट्रोल समा भाई, तुम ये शर्ट पहनता पाकिस्तान आ रहा है क्यों, नहीं पहना करिए, मना कर यार, मना तुम्हें तो खुशी होना चाहिए ना यार, तुमने वैसे भी प्रेडिक्ट किया था पाकिस्तान आ रहेगा यार। मैंने पहले बोला, मैंने बोला अफगानिस्तान ने भी कुत्ते की तरह मारा, साउथ अफ्रीका ने भी कुत्ते की तरह। तुम बहुत खुश हो रहा है यार, ऐसा नहीं करो यार, तुम पाकिस्तान में रहता है यार, मार को भी मैदान के बीच में फेंक दे। अशर भाई मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा था, क्यों कि भाई को आप बोलो, मेरी बात तो मान ही नहीं रहे। क्या मान नहीं रहे? मैंने कहा इंडिया वाले दिन ये टी शर्ट पहन के आए थे, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैच पाकिस्तान हार गया, आज दोबारा पहन के आए, अभी तक ये। और आपको यकीन था कि हारेगा? यकीन यकीन क्या, बस पक्का ये शर्ट पहन ली तो हारेगा। मैंने शर्ट नहीं पहनी वहाँ, और भी देखो और बंदों ने भी पहनी है, T20 वर्ल्ड कप की पहनी। वैसे अख्तर भाई आपस की बात है, मैंने भी पहनी हुई थी, लेकिन मैं बाहर आके उतार देता हूँ। भाई आप समझदार हो ना, आपको पता चल गया होगा। और ताहिर तेरी तबीयत भी सही नहीं थी, और अभी तो और ज्यादा अपसेट हो गया है, तू क्या हो, क्या कैसे मैनेज करेगा ये सब? अशर भाई आपको पता नहीं है क्या इनका? हाँ वो पता है, तबीयत सही नहीं, क्या हुआ? आज इनको लेके गया था मैं हॉस्पिटल, वहाँ पे जो है ना इसको ड्रिप लगाई डॉक्टर ने। मैंने कहा मैच है यार, मैं तो भूल गया, इसको वहीं छोड़ के आ गया। यार माला तुम पैसा कटवाने आ रहे हो, और खुश भी बहुत है पाकिस्तान के हारने पे यार, बार बार तुम हंस रहे हैं यार। क्या करूं, समझ कर से कभी गुस्सा हो जाता हूं, कभी यार ऐसे नहीं बोलो, सामा भाई बहुत गुस्से में तपी भी हो सामा भाई की यार, तुम सामा भाई का शर्ट पहन रहा है, रोज बोल रहा हूं नहीं पहना कर पाकिस्तान हार जाकर। ताहिर उस्ताद यहाँ उम्मीदें लगा रहे 32-32 होता या ये होता या वो होता, भाई खत्म है अब, ये नेट भी रुक गया। नहीं, अभी भी उम्मीद है मुझे, पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है तबीयत सेट हो गई, तबीयत सेट, तबीयत को छोड़ो, मेरा दिल बोल रहा है हम जीतेंगे। ताहिर मुझे लग रहा है मेरे साथ साथ तेरा भी रिकॉर्ड लगने वाला है। और उस्ताद मैच देखा तुमने? हाँ भाई मैच देखा मैंने, तो क्या बोलोगे? बड़ा नाम कमाया भाई, बड़ा नाम कमाया पाकिस्तानी टीम ने, तो इतना नाम कमाया यकीन। अब पाकिस्तान टीम का करना क्या है? अब तो भाई पाकिस्तानी टीम का ये करना है कि इनको बुलाया जाए आराम से पाकिस्तान, और इनको इज्जत दी जाए, ऐसी इज्जत। अरे ऐसा नहीं बोलो, क्या करा यार उनको, तो बुला के उनको बिठा के, मैं तो बोलता हूँ जितने भी बच्चे मोहल्ले के हैं ना, सबसे इनके चमाटे कराए जाए। थोड़ा टीम के हवाले से बताओ, टीम का क्या है? भाई बाबर आजम को तो जितने भी कोर्ट थे सबने कहना फैसला कर लिया ना यार। क्या फैसला हो गया भाई? जैसे ही एयरपोर्ट पे आया तो फांसी की सजा सुना दी। यार उस्ताद बाबर तो अच्छा प्लेयर है यार, तुम बाबर को ऐसे बोल लो यार। यार सब बाबर की तारीफ करते हैं, बाबर अच्छा प्लेयर है, बाबर ऐसा प्लेयर है, बाबर वैसा प्लेयर है, मेरी नजर में एक कोड़ी का प्लेयर नहीं है। हाँ भाई तेरे को क्या चाहिए, क्या लेना है? अच्छा ये बता, मैच देखा तूने? बाबर आजम के वाले से क्या बोलेगा? बाबर इतना अच्छा प्लेयर, क्लास का नंबर वन प्लेयर है यार। अशर भाई बाबर आजम के खिलाफ तो कोर्ट से पटिशन जाहिर हो गया है कि इसको तो फांसी का ऑर्डर है। क्या हुआ, क्या देख रहे हो? रहा था मैच, नेट नहीं चल रहा था, खत्म हो गया, अब क्या देखेगा? हाथ आउट हो गए, वही जो सिक्स की सेंचुरी होने वाली थी, आउट हो गया। ना खुश हो रहा है, हार जीत तो गए भाई, दो विकेट हैं, बॉलर दे सकते हैं, बॉलर रन कितने चाहिए, रन चाहिए कितने, रन कितने चाहिए? रन 20 चाहिए यार। एकदम से भाई मैच टर्न हुआ है, वो भी खुश हो गया, आठ आउट हो गए, आठ हो गए ना। अब इसी जगह पे अगर इसने हैट्रिक कर ली तो शाहीन का नाम दोबारा आ जाएगा। चलाओ तो चलाओ, चल रहे चल रहे, बस दुआ कर रहे हैं कि बस 21 रन रह गए, 20 रन 21 हाँ फंस गया, बीस रन चाहिए, आउट हो गए। बाकी बाकी ये देखो यार, ये नेट वालों ने क्या हो गया यार, नेट को मारा है, पैसे भी पूरे देते हैं फिर भी ये हाल है। अबे मैं अपने मोबाइल में ही लगा दूं, तमाशा है,
खोलो जल्दी, कौन ले ले, डॉट कर रहा है शाहीन शाहीन। चाचा दुआएं करो आप लोग सारे यार, दुआओं की जरूरत है सर, सख्त जरूरत। सही कह रहा है यार, अभी किस किस का मोमेंटम टूट गया है। ये अच्छा, इसमें भी इतना उछल ले के हमने, इनका कॉन्फिडेंट है ना यार। अच्छा अभी ये अनफिट हो गया ना, कोई 50-20 चाहिए, कोई अनफिट हुआ इस वजह से ब्रेक हुआ। रन बहुत कम है, रन 40 के होते ना, अगर 40 रन होते फिर बात। शाबाश शाबाश, पहले कुछ है तो नहीं इसलिए मैंने पूछ लिया। चाचा भाई शादी में आए हुए थे, वो मैच में ऐसे खड़े हुए लगंदा कुछ, ओए बच गया जल्दी। कितनी बॉलें रह गई शाहीन की, अब मुश्किल हो गया यार, बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन ये हम सबको जो है इन्होंने वो कर दिया, एडवांटेज ये कि बॉलर खड़े में, वो स्पिनर को इतना हाई लाइट तरीके से नहीं खेल सकते। शाहीन का हमारे दुआ भरो, बस दो विकेट, दो विकेट यार। बैट्समैन अच्छे लग रहे हैं, बैट्समैन लग रहे हैं जिस तरह खेल रहे हैं लोग यार। अरे भाई बैट्समैन तो बस हमारे लिए तो ये भी बहुत खतरनाक। अच्छा बोला हमने, बोला अब वन साइड हो गया, बैठ गए थे सुकून से। क्यों अंकल, हमने बोला अब हार गया एकदम, पता नहीं क्या विकेट ले ली इन्होंने। आउट चाहिए, सेकंड स्लिप नहीं दी यार, 120 वाली दो निहारी लगा बच्चा यार। वो ये कितना टेंशन में हो गए ये लोग यार, फुल प्रेशर में आ चुके हैं भाई। व्लॉगिंग भी नहीं कर पा रहा मेरे हाथ कांप रहे, मैं बोल रहा हूँ जीत जाए कुछ भी करके यार। असल में रन ही नहीं दिया, इन्होंने स्कोर ही नहीं दिया। पाकिस्तान के हारने की खुशी में क्या हो रहा है ये, पाकिस्तान कर रहे डांस। ये पीछे इंडियंस तो नहीं रहते यार ताहिर, ये लोग यहाँ फील्डिंग सेट कर रहे हैं। हारिस को ओवर दिया, 11 रन रह गए और यहाँ पे ढोल बज रहे हैं। अयास रो रहा है, अयास तेरे क्या हाल है, वहाँ पहले चल गया, वहाँ पहले चल गया, यहाँ अभी तक चला नहीं है। ये बॉल पे आउट हो रहा है, एक रह गया बस यार, दुआ करो एक। ये शादी छोड़ छोड़ के आ रहे हो यार तुम, क्या वो शोर मचा जब आयो ना, और क्या। हाँ भाई तू भी लेके घूम रहे मोबाइल, सब ये तबरे शमसी आ, ये भी जाएगा तबरे शमसी, रह गया यार एक मोबाइल, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा भाई। तीन बॉल में ही आउट करना चाहिए क्योंकि उसके बाद वो डबल डबल मोबाइल रखती है किधर, रख साइड में। अख्तर भाई को भी तो एक मोबाइल दो, ये लो इसकी ब्रांडनेस तो खोलो, कहाँ से खुलेगी। अबे हटा, बॉल हो रही थी, हटा जल्दी लगा, क्या हुआ। तेरे प्यूदा वास्ते अख्तर भाई के मुंह से रिव्यू दे दो, रिव्यू ले लिया, क्या होगा यार, ये आउट होगा, आउट होगा, ले लिया, ले लिया, ले लिया। वो बोल रहा है आउट लग रहा है, वो उनका आगे चल रहा है, बोल रहा आउट लग रहा है यार। मोड़ा चुआ करो यार, चुआ करो, नहीं लेग पे कट गए यार। हारिस राउत यार क्या कमाल ओवर करके गया यार, मैच विन करा देता भाई लास्ट में, इतना एलबी मारा, एलबी भी मारा लास्ट में। लेकिन अब हमारे पास पता नहीं कौन, अब पीछे खास बॉलर नहीं है यार। यार ये नवाज गलत आ गया, ये हमेशा एंड का ओवर मरवाता है, मैंने देखा है। इंडिया वाला भी मरवाया था, बाद में क्या करते हैं आप पीछे रख के खड़ा हो जाते हैं ऐसे। चलो अभी जो भी अपनी टीम को सपोर्ट करना है यार, बस लुकमान यार आप तो कुछ बोलो, बोलती बंद हो गई। क्या हो सकता है यार, भाई पांच रन कोई ज्यादा रन नहीं है, पांच रह गए, पांच रह गए यार, चार पांच रह गए, छह थे ना अभी, पांच रह गए। लास्ट बॉल पे सिंगल लिया गया तो नहीं ना, क्या हो गया लाइन। शमसी भी स्पिनर, नवाज भी स्पिनर, स्पिनर्स वर्सेस स्पिनर्स, ओए कट कर दिया यार, बहुत मुश्किल भाई, तो बहुत मुश्किल हो गया है भाई। तीन रन चार रन रह गए अब यार, ये तो कर लेंगे इस तरह, डालो यार लक के, बस लक, क्रिकेट गिर जाए तो गिर जाए, मैच तो जीत चुके हैं वो, चार रन रह गए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, हां तो भाई मैच हार गए थे, लास्ट बॉल पे चौका जो पड़ा था, जो बच्चे ने बॉल कराई थी, गली के बच्चे ने जो बॉल दी थी बना के बांध ले चौका, तो उस बॉल का सदमा इतना था कि जो है रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया था। अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अपने अफसोस का इजहार कर रहा हूँ, ये भी रो रहा है, बहुत ज्यादा सैड है, इतना रो रहा था यार। भाई दिल पे नहीं ले, गेम है। नवाज को जो लास्ट ओवर दिया है उस पर सबकी हटी हुई है कि यार वो हमेशा मरवाता है मैच। खैर मैच तो ऑलमोस्ट हार ही गए थे, ये तो सबको पता है। वो तो लास्ट में वो हारिस राउत ने एकदम अटैक कर दिया था, शाहीन ने अटैक कर दिया था। यार मड़ैया सब क्या कर रहे, तुम रो रहे यार, नहीं करो रो मत यार, ये तुम अफगानी भाई से मिल लो यार, अफगानी भाई तुम्हें दिल लगा यार मड़ा, तुम अफगानी तो है नहीं, हमने तुमको अफगानी बना दिया बोल बोल के यार। जब तुम लोग बोलेगा अफगानी यार, हम अफगानी है यार, जो बोलेगा मड़ा। चुप करो अपने दोस्त को यार, चुप करो यार, नहीं कर रहा हूँ मैं यार, तुम क्या कर रहे यार, रो मत यार, ये नसीब था उस साउथ अफ्रीका का नसीब का, तुम क्यों रो रहे यार, तुम क्यों ऐसे जा रहे यार बार बार, तुम हमारा रिकॉर्ड।
कल तुमने बोल रहा था पाकिस्तान जीतेगा, हमने बोल रहा था साउथ अफ्रीका जीतेगा, इसके मामले में तुम मेरे साथ क्यों बहस करता है? पाकिस्तान अच्छा तुम खेल रखे यार, हम हार गया इस मामले प्रेडिक्शन में, हम हार गया तुमसे। क्यों हार गया? जब भी तुम हंस रहा हमारा रिकॉर्ड लगा रहा तुम यार, इसी को रिकॉर्ड लगा रहा। और सामा भाई तुम भी अफसोस में बैठे हो यहाँ पे, घर आया हूँ अभी और सामा भाई भी अफसोस में बैठे हैं। आखिरी ओवर नवाज को दीजिए, इसके बाद फास्ट नहीं थे, बीच में सारे फास्ट चला दिए, इसको कप्तान कहते हैं, ये मैच जीत गए थे हम लोग। सरफराज भाई कप्तान बन रहे हैं सुना है। खैर छोड़ो वर्ल्ड कप तो क्या यार, हमने भी बड़ी बड़ी बातें कर दी थी। बात सही है, ऐसा होता था नहीं होता था यार कमबैक, और आज कमबैक करा लेकिन बहुत लेट हो गए थे। बस मैं तो हंस रहा हूँ, बस मेरा खत्म करो यार, वर्ल्ड कप से तो हम बाहर हो ही गए। हम जैसे क्रिकेट के चाहने वाले क्रिकेट शायकीन कितने लोग रोए हैं भाई आज, पता नहीं होता यार। हमने कितने लगाई थी पूरा वर्ल्ड कप, तुम लोगों ने वर्ल्ड कप, अब हम बात क्या करें वर्ल्ड कप की, हमें तो यही नहीं समझ आ रहा, बात क्या करें। खत्म करो यही, खत्म, बस घर जाओ, बैग पैक करो, घर जाओ, बस खत्म, टाटा बाय बाय। हम लोग पागल हैं जो ये चार साल में एक दफा वर्ल्ड कप, हम लोग पागल हैं, सब पागल हैं हम लोग। हम जैसे दीवाने होते हैं जो अपनी दुकान पे बैठ के काम के टाइम इनको देखते हैं यार, मैच को फॉलो करते के लिए, किसी भी तरह पाकिस्तान की टीम जीत जाए अपनी कंट्री के लिए, मतलब क्या यार इतना, मतलब फाइट वाइट तो करो, आगे तो जाओ, कुछ तो एक मैच तो जीतो, बच्चों से जीतती है बस। छोड़ो भाई इस ब्लॉग को यहीं बैन कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे करना ना भूलना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ओके अल्लाह हाफिज़।